खबरों की नई पहचान। राजमहल एवं उदमा प्रखंड के लोग बाढ़ से परेशान हैं। लोग बचाव राहत सामग्री के इंतजार में बैठे हैं और यहां के जन प्रतिनिधि बाढ़ में जाकर कुछ राहत सामग्री देकर सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। हम लोग विपक्ष में रहते हुए कटाव क्षेत्र में राहत सामग्री बांटे हैं। यह बातें कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बजरंगी प्रसाद यादव अपने आवासीय कार्यालय भारतीय कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। श्री यादव ने बताया कि साहिबगंज जिला के तीनों प्रखंड के लोग बाढ़ से परेशान हैं। बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कोई तैयारियां नहीं की। शहरी क्षेत्र में 60% पानी घुस गया। बाढ़ से घिरने देहरावासी के लिए नाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं राहत सामग्री के लिए लोगों का आधार कार्ड मांगा जा रहा है। लोग अपनी जिंदगी बचाएं या आधार कार्ड ढूंढ कर लाएं। लोग मदद के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। आने वाले चुनाव में क्षेत्र की जनता ऐसी लापरवाही सरकार से सबक सिखाएगी। प्रशासन जन प्रतिनिधि बाढ़ के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। मौके पर पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। का हालत क्या है, आम लोगों का जीवन कैसे गुजर रहा है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, चाहे वो मिर्जा चौकी हाजीपुर से लेकर और श्रीधर दियारा तक लाश, और शहर के भी लगभग 75% एरिया डूब चुका है। और झारखंड राज्य का आपका मात्र एक राजमहल विधानसभा में ही बाढ़ से प्रभावित गंगा से सटा हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में भी जितना बाढ़ का जो अभी लेवल है, इस लेवल आते आते दूसरा बार राहत सामग्री बढ़ जाता था।